दोस्तों नमस्कार, स्वागत है वंश कार्ड्स की एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में नई नवेली क्रेटा आपको दिख रही है 2024 की। ये क्रेटा डीजल में है और डीजल में ये आपको टॉप एंड मॉडल है SX ऑप्शनल और ये है 80 वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। और इसका हम करने वाले हैं रिव्यू। भाई साहब आपको देख रहे हैं, आपको ब्लैक दो कलर का फील आने वाला है आपको। नाइट में ये ब्लैक दिखेगी और ये देख रहे हैं पास से, आई होप आप जो है देख पा रहे हो, हल्का सा डार्क ग्रीन कलर टाइप का दिख रहा होगा। जो एग्जैक्टली जो हुंडई इसको जो कलर्स बोलती है वो मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल शुरुआत इसके हम एक्सटीरियर इंटीरियर सारा चीज़ यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। आपको क्या कुछ नया इसमें मिल जाता है और क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और क्यों आपको इसको कंसिडर करना चाहिए, सारी चीज़ आप इस वीडियो को देख के समझ पाएंगे। शुरुआत हम इसकी की से करते हैं। तो आपको ये हुंडई की आपको यहाँ पर मिल जाती है और की में क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको लॉक ऑन का बटन मिल रहा है, होल्ड का बटन मिल रहा है और यहाँ पर होल्ड देखो मतलब बूट को भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, यहाँ से मतलब अनलॉक कर सकते हैं। और इसको आप प्रेस करके रखेंगे तो इंजन आपको स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप जो है काफ़ी देर अगर धूप में गाड़ी खड़ी है तो पहले ही आप इंजन को जो है कूल कर सकते हैं, एसी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी और गाड़ी कूल हो जाएगी। तो शुरुआत हम इसके फ्रंट से करते हैं। ये है इसका फ्रंट प्रोफाइल, आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बोल्ड रोबस्ट डिजाइन रखी गई इसकी और काफ़ी ब्यूटीफुल दिखती है। थोड़ा सा मॉडर्न लुक फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन पेश करी गई हुंडई के थ्रू। और ये आई होप आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करना। ये है इसका इंडिकेटर भी ऑन है, आप 3 पॉइंट पे देख सकते हैं। और यहाँ से लेके ना इस टू एच यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हैं पूरा आपको कनेक्टेड DRLs दिख रहे हैं जो कि इसके लुक्स को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन कर देते हैं। और ये जो है मार्केट में ट्रेंड भी यही चल रहा है तो ट्रेंड को फॉलो जो है करता हुआ यहाँ पे आपको चीज़ें दिख जाएगी। और एक नया चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा भी मिल रहा है और ADAS लेवल 2। ये सारे मतलब अगर सेफ्टी फीचर्स में देखें ना भाई, आपको अभी क्रैश टेस्ट तो नहीं हुआ लेकिन ये 5 स्टार तो लाने वाली है क्योंकि सेफ्टी फीचर्स में बहुत कुछ इसमें आपको मिल जा रहा है। वो हम इसी वीडियो में आपको कुछ सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करेंगे लेकिन एक और वीडियो हम आपको दिखाएंगे उसमें इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की वीडियो आपको मिलेगी। तो अभी आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को तब तक सब्सक्राइब जरूर करें। सामने से देखते हैं, ये आप ऐसा कुछ ग्रिल दिख जाता है, काफ़ी जो है पियानो ब्लैक में यहाँ पे फिनिश दिया गया है। आपको न्यू हुंडई का लोगो मिल जाता है। फ्रंट पार्किंग कैमरा यहाँ पे मिलता है, 1, 2, 3, 4 पॉइंट पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। और यहाँ पे आपको रडार लेवल 2 ADAS जो दिया गया है वो रडार यहाँ पे लगाया हुआ मिल जाता है। नीचे आप इसकी प्लेट वगैरह देख सकते हैं। तो आपको ऐसा कुछ जो है लुक्स जो है सामने से आती है गाड़ी भी, और ऐसा अगर हम सामने से ऐसे देखते हैं तो ये ऐसा कुछ जो है इस ट्रांस इसका निकल के आ जाता है। बोनेट देख सकते हैं, बोनेट पे डिज़ाइन आपको ऐसे कुछ मिल जाती है, काफ़ी बोल्ड जो है इसके इसको बना देती है। और यहाँ पे आप इसके हेडलैम्प देख सकते हैं, LED में मिलता है आपको। यहाँ पे दो पार्ट इसके जो है हेडलैम्प दिए गए हैं, आपको लो बीम हाई बीम का हेडलैम्प मिल जाता है और यही आपको फोग लैम्प का भी काम ये करता है। एरोडायनेमिक को अच्छे से बनाने मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कर्व्स दिए गए हैं, एयर जो है यहाँ से निकल के पीछे निकल जाएगा और वो चीज़ बढ़िया काम करता है। और ये है इसका साइड लुक्स, और साइड से ऐसे कुछ देख सकते हैं आप, साइड से देख के बताएं, आप कमेंट कर सकते हैं हमें कैसी लग रही है, आप अपना जो आपका ओपिनियन है वो हमें जरूर बताएं। और ये है इसका ओवरऑल साइड से यहाँ पे, और जो इसका डायमेंशंस है वो आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। डायमेंशंस वाइज बहुत ज़्यादा यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं अगर हम देखते हैं तो, जो फीचर्स हैं जो लुक्स हैं वो उसमें चेंजेस किए गए हैं। बाकी यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। प्रॉपर साइड में भी आपको स्किड प्लेट यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे ORBM देखते हैं तो ऐसे कुछ ORBM मिल जा रहा है, टच इंडिकेटर LED में यहाँ पे मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ORBM में भी कैमरा दिया गया है, जब आप इंडिकेटर टर्न करते हैं ब्लाइंड स्पॉट देखने के लिए वो काम आता है, और एक 360 जो है व्यू देखने के लिए ये कैमरा बहुत काम आता है। टायर सेक्शन की बात करते हैं, JK टायर का टायर मिलता है, एलॉय इसमें चेंज हुए मिल जाते हैं। अभी आपको ये नया एलॉय मिल रहा है, डुअल टोन डायमंड कट एलॉय मिलता है और 5 बोल्ट के साथ में ये एलॉय आपको यहाँ पे दिया गया है। और एक चीज़ जो अच्छा हुआ ना, पहले लोग बोलते जो क्रेटा में ब्रेकिंग सिस्टम, भाई साहब काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया ब्रेकिंग सिस्टम में, आपको रियर डिस्क ब्रेक भी मिल रहा है, दोनों चारों में अब आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, वो एक अच्छी बात हो गई है। यहाँ पे आप जो है सस्पेंशन ट्रेवल्स वगैरह देख सकते हैं, क्लैटिक प्रॉपर यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे टायर प्रोफाइल 1-2-1-5-60R17 का आपको टायर प्रोफाइल मिलता है। ओके, तो ये था इसका जो है साइड से लुक्स। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको क्रोम के साथ में आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं और इक्वे सेंसर केवल ड्राइवर साइड में मिलता है। तो ये, और ऊपर देखते हैं तो आपको यहाँ पे रूफ रेल मिल जाते हैं और जो कि प्लास्टिक में है। और ऊपर देखते हैं ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे सिल्वर सा आपको
ये एलिमेंट यहाँ पे दिख रहा है जो कि इसकी लुक्स को काफी बढ़िया बना देता है। तो ये थी इसका जो है साइड प्रोफाइल। और यहाँ 50 लीटर्स के आपको डीजल टैंक मिलता है, ये यहाँ पे डीजल गाड़ी देख रहे हैं तो। ओके, अब इसके रियर की तरफ चलते हैं। तो ये है इसका रियर प्रोफाइल और रियर से कुछ ऐसी दिख जाती है गाड़ी आपको। यहाँ पे शॉर्ट फिन एंटीना आपको यहाँ पे मिल जाता है और इस टॉबन वेरियंट में आपको यहाँ पे मिल रहा है हाई माउंटेड स्टॉर्टलैम्प एलईडी में मिल रहा है, डीफॉगर मिल जाते हैं, रियर वाइपर्स मिलते हैं और यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलता है जो कि एक ट्रेंड में है। और ये जो लोगो आप देख रहे हैं ना, ये जो ग्लास है, ग्लास के अंदर में ये एक नया अपडेट आप यहाँ पे देख रहे हैं। और पहले जो क्रेटा लिखा हुआ आता था, अब यहाँ पे क्रेटा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। एसएक्स वेरिएंट है तो वो एसएक्स ऑप्शनल है, एसएक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जो रिवर्स लैंप है ना वो यहाँ पे मिलता है, ये आप देखिए। और यहाँ पे बड़ा सा स्किड प्लेट आपको देखने को मिल जाएगी। करेंगे ड्राइवर साइड डोर से और यहाँ पे जो इसका कलर है, कलर थीम आप देखिए, यहाँ पे आपको जो थोड़ा सा ग्रे और बेज का जो कम्बिनेशन दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रीमियमनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। साथ में यहाँ पे जो पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लॉक ऑन लॉक, ओआरबीएम इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल जो ओआरबीएम मिलते हैं उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। प्रॉपर बोस के आपको यहाँ पे स्पीकर ग्रिल मिल जाता है और यहाँ पे प्रॉपर आपको जो है बोटल स्पेस वगैरह मिलते हैं। तो ये है, अब हम इसके इंटीरियर की तरफ चलेंगे। बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। टोटल आपको यहाँ पे डैशबोर्ड जो है इसका चेंज किया हुआ मिल जाता है भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कलर है ना स्टीयरिंग की, भाई मतलब इसके लुक्स में चार चांद लगा देता है। ये है इसका इंटीरियर। यहाँ पे 10.25 पूरा कनेक्टेड यहाँ पे आपको मिल जा रहा है इसका इंफोटेनमेंट प्लस क्लस्टर, ये कनेक्टेड है यहाँ से, अंदर से कनेक्ट है। दो स्क्रीन दिया गया है एक्चुअली, लेकिन अभी यहाँ पे चाबी नहीं है वो है, ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ थीम दे दिया गया है आपको अलग कलर्स में। और प्रॉपर आपको बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। और पूरा जो डैशबोर्ड है ना वो पूरा चेंज हो गया मिल जाता है। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको एयरबैग, टोटल 6 एयरबैग मिल जाते हैं। सेफ्टी में अभी उसके यहाँ पे सेकंड जो है थिंग्स की हम बात कर रहे हैं तो वो चीज़ें अभी आप देखिए। सेंट्रल कंसोल जो है यहाँ पे चेंज किया हुआ मिल जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा जो एसी के कंट्रोल्स हैं वो इल्यूमिनेटेड, पूरे बटन्स आपको मिल जाते हैं जो भी कंट्रोल्स हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम के, एसी के सारे कंट्रोल्स में आपको यहाँ पे मिलते हैं। नीचे देखते हैं तो आपको यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट वगैरह और वायरलेस चार्जिंग मिल जाता है। 5-6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की बात करें तो गियर नॉब ऐसे कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाते हैं। फिलहाल ये ओवरऑल लुक्स हो गया इसका फ्रंट का डैशबोर्ड का। यहाँ पे आपको जो है ऑटो डिमिंग आईआरबीएम्स वगैरह मिल जाते हैं, इधर आपको पॉकेट होल्डर्स मिलता है, इधर आपको वेंटी मिरर मिल जा रहा है, बड़ा सा आपको यहाँ पे मिल जाता है सनरूफ पैनोरामिक। ओके, तो ये हो गया इसका इंटीरियर। अब हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं इसका सेकंड रो। तो ये इसका सेकंड रो आप देख पा रहे हैं और यहाँ भी आपको कुछ चेंजेस की करे हुए मिल जाते हैं। ऊपर आप बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ देखते हैं और जो कलर है ना वो पर्सनली बताओ काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है।